दुकान पे काम कर रहे थे, आए 4-5 लोग रिवॉल्वर लेके तुरंत कैच कर लिए, सब घुस के अपना जितना सामान पाए लेके भागे, का नहीं दिए। कर्मचारी हमारा एक बाहर था, उसको मार के अंदर किए, मोबाइल सब छीन ले गए, फिर बाद में मोबाइल फेंक दिए, मोबाइल नहीं ले गए। अभी हम कुछ अभी नहीं बता सकते। अब दुकान है तो लूटपाट तो हुई है, अब 4-5 लोग रहे होंगे, 3-4 लोग तो दुकान में घुसे थे, एक आध दो शायद बाहर थे, बाइक से थे। सरेआम चौक ठठेरी बाजार में, जो कि शहर के सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है, यहाँ इस तरीके से कांड हो जाए तो समझिए कहीं भी कुछ हो सकता है। पुलिस कितनी देर में आई? पुलिस आ गई, पुलिस 10-5 मिनट में आ गई, पुलिस को सूचना दिया गया, आ गई। यहाँ वो हम लोग माल ले रहे थे, वो अचानक आए, मारने लगे, मारने के बाद सारा माल पैक कर लिए और लेके भाग गए। मेरा भी बैग था, उसमें सोना चांदी था, पैसा था, सब लेके भाग गए। अब कैसे बताएं, अब इसका अंदाज़ा कैसे बताएं, कितना पैसा था? कितने लोग थे? 5 लोग थे। किस चीज़ से थे? बाइक से थे, यहीं तो खड़े किए थे बाइक। थाना मुतवाली नगर क्षेत्र में चौक एरिया पड़ता है, वहाँ पे भारे ज्वेलर्स की शॉप है, जो ज्वेलरी की दुकान है, वहीं पे आज दोपहर के समय 3-4 लड़के आए। उन्होंने जो ज्वेलरी में जो इमीडिएटली अवेलेबल जो भी सामान था वो बटोर के लूट के यहाँ से भाग दिए। घटना में हम जो ज्वेलर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन खंगाली जा रही है। 6 टीमों की गठन कर दिया गया है, जल्द से जल्द इस घटना की अनावरण होगी और सख्त सख्त कार्रवाई होगी। धन्यवाद। अभी जो दुकान के जो ओनर्स हैं वो बता नहीं पा रहे करेक्टली, तो हम इंतजार कर रहे हैं, वो एक बार आकलन करके फिर हमें बता देंगे क्या क्या सामान टोटल गया हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो ओनर जो है उनको अभी थोड़ा सा वो करने दीजिए, कंफर्टेबल होने दीजिए, वो अपने पूरे एस्टिमेट जो भी है देख के फिर हमें जो है वो बिल्कुल बताएंगे, वो बता रहे हैं आराम से बताएंगे। लेकिन हाँ, ज्वेलरी गई है, ऑब्वियसली ज्वेलरी की दुकान है और इसमें पुलिस अपनी पूरी सारे ताकत के साथ लगी हुई है, जल्द से जल्द घटना की खुलासा भी करेगी और जो भी सख्त सख्त कार्रवाई भी इसमें होगी। अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कुछ जो इन्फॉर्मेशन है हम बाद में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद। अच्छा, जानकारी लग रहा था। मैं जो बोल रहा हूँ कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हमें कुछ क्लूज मिल रहे हैं, अच्छे क्लूज मिल रहे हैं, वो जल्दी इसमें कार्रवाई और अनावरण भी हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है सारे बिंदु, अभी हम आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, दोबारा से हम बिल्कुल शेयर करेंगे। धन्यवाद। जैसे बता रहे हैं कि 3 तो प्रोमिनेंटली क्लियर है, बाकी आगे और भी हम देख रहे हैं। जी मैं क्या बोल रहा हूँ कि सारी चीज अभी इमीडिएटली क्लियरली बताया नहीं जा पा रहा है। जो प्राइमरी सूचना है हम उसके आधार पे आपको बोल रहे हैं, हम जिनसे मिले इनसे बात करके जो सूचना हमें मिली है वो बता रहे हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस चल रही है। 6 लोगों की 6 टीम अलग से इसमें लगाई दी गई है, वो कार्रवाई कर रहे हैं।